विच दुनिया सेव कमाइए तां दरगे पैसे न पाइए। सत श्री अकाल जी। खालसा कॉलेज नर्सिंग जड़ा कि खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी के अधीन चल रहा है, पिछले लंबे समय तो बहुत ही अच्छिया सेवावां प्रदान कर रहा है। साढ़े इतने बहुत ही अलग तरह के कोर्सिज अवेलेबल ने जड़े कि लड़के तो लड़कियां दोवां दे लई ने। इसलिए मैं तुहानू इह सारिआं नूं सरोतिआं नूं दसना चाहुंदी हाँ कि साडे कोल छोटे कोर्सिज तो लैके सर्टिफिकेट कोर्सिज तो लैके जो एक साल तक दे हुंदे ने ते एम एस सी डिग्री तक साडे कोल कोर्सिज ने। यह कोर्सिज वख वख तरह दियां इहनां दियां रिक्वायरमेंट्स ने और यह डायरैक्टली इंडियन नर्सिंग कौंसिल, पंजाब नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सैंसिज एंड पंजाब गौरमेंट दियां रिक्वायरमेंट्स के तरीके नाल चल रहे ने। इन्हां कोर्सिज दे लई दाखला लैण दे लई रिक्वायरमेंट्स अलग अलग ने। मैं बी एस सी नर्सिंग की गल करांगी जदों, तो बी एस सी नर्सिंग जिहड़ी आ इह 17 साल की उम्र करके प्लस टू मैडिकल दे सबजैक्ट्स होने चाहिए ने। इन्हां दे लई बाबा फरीद यूनिवर्सिटी टैसट कंडक्ट करता है। उस टैसट की मैरिट के थ्रू काउंसलिंग तो बाद स्टूडेंट्स एडमिट होकर साडे कोल इत्थे इंस्टीट्यूशन दे विच आउंदे ने। इस तो बाद एम एस सी नर्सिंग यह बी एस सी नर्सिंग तो बाद हुंदा है और इन्हां दा भी एंट्रेंस टैसट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इहदियां अलग अलग स्पैशलाइजेशन ने जिवें गाइनी एंड ऑब्सटेट्रिक, मैंटल हैल्थ नर्सिंग, मैडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग। इन्हां स्पैशलिटीज़ विच किसी भी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना हो बाबा फरीद दा उन्हां नूं एंट्रेंस टैसट पास करके ही दाखला मिलता है। इस तो अलावा साडे कोल पोस्ट बेसिक बी एस सी नर्सिंग हुंदा है जिहड़ा 3 साल का असी जी एन एम नर्सिंग का करा के कोर्स और स्टूडेंट बाद विच 2 साल का बी एस सी नर्सिंग का दाखला लैके उन्हों असी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बी एस सी नर्सिंग कहने। उसका भी क्राइटेरिया उही रहा, उन्होंने भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी टैसट कंडक्ट करके ही साडे कोल स्टूडेंट्स भेजते हैं। इस तो अलावा साडे कोल पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल जो कि मोहाली दे विच ने, इन्हां दे थ्रू साडे कोल जी एन एम दे ते ए एन एम दे स्टूडेंट्स दाखला लैंदे ने। इन्हां स्टूडेंट्स लई प्लस टू करना जरूरी है बट वो प्लस टू किसी भी स्ट्रीम च हो सकता है, मैडिकल, नॉन मैडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी फील्ड विच हो सकता है एंड वो प्लस टू मैरिट दे बेस ते उन्हां दी डायरैक्ट एडमिशन असीं करदे हां। एज उन्हां दी 17 साल तो बाद है। और जिहड़ा सर्टिफिकेट कोर्सिज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी रन करदी है वह सर्टिफिकेट कोर्सिज लई बच्चों की उम्र घट तो घट 16 साल होनी चाहिए है। और उसकी खासियत यह है कि वह 10वीं तो पास ही पास बाद बच्चे लड़के हों या लड़कियां कोई भी कर सकते हैं, उसकी एज लिमिट कोई नहीं है और सिर्फ मैट्रिक पास होनी चाहिए ने। और उन्होंने इन्होंने कोर्सिज के लिए साढ़े को 4 तरह के कोर्सिज ने सर्टिफिकेट कोर्स। एक तो OTA जिन्होंने असं कहने ऑपरेशन थिएटर ट्रेनिंग अटेंडेंट ट्रेनिंग, दूसरा साढ़े को एक होम बेस्ड एंड हॉस्पिटल बेस्ड केयर है, तीसरा कोर्स साढ़े को सिर्फ होम बेस्ड है, चौथा कोर्स साढ़े को एमरजेंसी एंड एंबूलेंस केयर अटेंडेंट है। ये 4 शॉर्ट कोर्सिज ने जो 1 साल के होंगे ने। इन्हों की फीस भी घट है, ये स्पैशली उन्होंने बच्चों के लिए बनाए गए हैं, शुरू किए गए हैं जो इकोनॉमिकली ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा समा अफोर्ड नहीं करते और थोड़े समय के कोर्स लैके अपने अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी रोजी रोटी के काबिल हो जाते हैं। इन्हों कोर्सिज के अलावा साढ़े को सा जो कैंपस है वह बहुत ही स्पेशियस, खुला, हरिया भरिया और उत्थे सब तरह दी फैसिलिटीज़ ने। सब तो वड्डी खासियत है कि यह कॉलेज GT रोड से स्थित है जिथे बच्चों नूं आउण जाण दा जां साडे जो विजिटर्स ने कॉलेज नूं विजिट करना चाहुंदे ने, इस संस्था नूं विजिट करना चाहुंदे ने, उन्हां नूं आउण जाण दी कोई मुश्किल नहीं आ। यह यूनिवर्सिटी दे नाल बिल्कुल अटैच्ड है और साडे कोल बच्चों नूं क्लीनिकल एरिया दे विच स्पैशलाइज्ड ट्रेनिंग देण दे लई बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज दा गुरु नानक देव हॉस्पिटल है जिथे असीं बच्चों नूं क्लीनिकल ट्रेनिंग दिंदे आ। सिविल हॉस्पिटल अस्कॉट 40, इन्हों जगह तो इलावा असी मैंटल हॉस्पिटल जो मनोरोग विभाग है वह भी नॉर्थ इंडिया का एक बहुत स्पैशलाइज्ड हॉस्पिटल है जिथे साडे बच्चे सैकेटरी एंड मैंटल हैल्थ की ट्रेनिंग लेंदे ने। इन्हों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तो इलावा साडे स्टूडेंट्स नूं असी स्पैशलाइज लैब्स साडे इंस्टीट्यूशन दे विच ने जिहड़ियां अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ दे नाल लैस ने और उन्हां बच्चों नूं उत्थे असी सिमुलेशन ट्रेनिंग दिंदे आ, हैंड्स ऑन वर्क उन्होंने करवा के असं उन्होंने तैयार करते हैं, चाहे वह प्री क्लीनिकल लैब आ जिन्हों असं कहने कि वह फस्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने, न्यू एंट्रेंट्स ने, उन्होंने असी हॉस्पिटल भेजने तो पहला लैब के उन्होंने ह्यूमन स्केलेटन और कई तरह के मॉडल, ऑर्गन, पोस्टर, चार्ट्स दिखा के उन्होंने अनाटमी फिजियोलॉजी क्लीयर करते हैं ता जो उन्होंने क्लीनिकल एरिया के कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तो ज़्यादा इस तो बाद साढ़े को गाइनी एंड ऑप्स की लैब आ, साडे कोल पीडियाट्रिक्स की लैब है, साडे कोल मैंटल हैल्थ एंड सैकेटरी दे असी उन्होंने काउंसलिंग ट्रेनिंग सारे सैशन कॉलेज करवा के फिर ही असी हॉस्पिटल भेजते हैं।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 24 ਆਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਮਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਸਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਚਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਓਰ ਐਂਡ ਹੋਮਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਕੇਡਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਲਸਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲੈ ਲਓ, ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀਲੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਓਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਕਮ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਸਰਵ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।